हेलो एवरीवन, मैं हूं सारा और द सारा शो में आपका स्वागत है। गुलामी और आज़ादी के बीच की दौड़ दिखाने आ रही हैं प्रियंका चोपड़ा। आइए जानते हैं उनकी फिल्म द वाइट टाइगर कितना दहाड़ पाई है। हम सभी किसी ना किसी चीज़ के गुलाम हैं, उड़ने की चाह रखते हैं लेकिन किसी पिंजरे में कैद होने को मजबूर हैं। जिसने समय रहते ये पिंजरा तोड़ दिया वो उस गुलामी से आज़ाद, और जो पिंजरे में कैद रह गया वो सिर्फ एक गुलाम। अब इसी गुलामी और आज़ादी की चक्रव्यूह को समझाएंगी प्रियंका चोपड़ा। उनकी फिल्म द वाइट टाइगर रिलीज हो गई है। बॉलीवुड की कोई भी आर्ट फिल्म उठा लीजिए, अगर कहानी गरीबी या उसके इर्द गिर्द घूमने वाली रहेगी तो हमेशा नरेशन कुछ ऐसा होता है। यहाँ एक नहीं दो भारत बसते हैं, एक वो जो अमीर है तो दूसरा वो जहाँ सुविधाओं का भी अभाव है। द वाइट टाइगर भी इसी पहलू से शुरू होती है। फिल्म शुरू होते ही अपनी थीम पर फोकस करती है। हमें बता दिया जाता है कि बलराम यानी आदर्श गौरव एक होनहार और समझदार इंसान है, लेकिन गरीबी और कुछ कमाने की चाह ने उन्हें गुलाम बना दिया है। बलराम एक नौकर की तरह काम जरूर करता है लेकिन दिमाग घोड़े से भी ज़्यादा तेज है। उसे लगता है कि किसी बड़े इंसान के यहाँ अगर नौकर भी बन गया तो उसे ये गुलामी का पिंजरा तोड़ने का एक मौका जरूर मिल जाएगा। अब उसे वो मौका मिलता भी है जब उसकी मुलाकात अशोक यानी राजकुमार राव से होती है। अशोक का थोड़ा बैकग्राउंड बता देते हैं हम। ये जनाब खुद तो न्यूयॉर्क से पढ़कर आए हैं लेकिन इनके पिता ठेठ स्वभाव के हैं और यहीं पर छोटी जात के लोगों पर अपना दमखम दिखाते हैं। अब कहानी आगे बढ़ती है और किसी तरह से बलराम अशोक का ड्राइवर बन जाता है। वो अशोक का इतना वफादार रहता है कि उस पर शक करने का सवाल नहीं उठता है। लेकिन जब बलराम अशोक को ही अपना परिवार मानने लगता है तब आता है एक बड़ा ट्विस्ट। जी हाँ, अशोक की पत्नी प्रियंका यानी प्रियंका चोपड़ा तेज स्पीड में गाड़ी चलाती है और एक बच्चे को टक्कर मार देती है। बच्चे की मौत का जिम्मेदार बलराम बन जाता है। यहीं से वो गुलामी और उससे आज़ाद होने का खेल शुरू होता है। बलराम को एक तरफ अपने मालिक को बचाना है लेकिन क्योंकि गलत केस में फंसाया गया है तो बदला लेना भी लाजमी है। तो क्या बलराम गुलामी का पिंजरा तोड़ पाएगा, खुद को निर्दोष साबित कर पाएगा या मौके का फायदा उठाकर कुछ काफी बड़ा कर जाएगा? तो द वाइट टाइगर इन सवालों का ही जवाब देगी। अब रोमन बहरानी के निर्देशन में बनी द वाइट टाइगर आपको बार बार यह एहसास कराएगी कि आप एक गुलाम हैं और अगर जिंदगी का मालिक बनना चाहते हैं तो पिंजरा तोड़ना पड़ेगा। 2 घंटे 5 मिनट तक आदर्श गौरव का किरदार आपको यही समझाता रहेगा। कभी आपको लगेगा कि सही बोल रहा है तो कभी आपको लगेगा कि ओफो बोर कर रहा है। यही द वाइट टाइगर की सच्चाई है। ज्ञान तो दिया है लेकिन मात्रा जरूरत से ज्यादा है। इतनी गहरी बात समझाने के लिए ऐसे कलाकार की जरूरत थी जो इतना तेज दहाड़े कि बाकी सब छोड़ आप भी सिर्फ यही सुनना चाहें। और हाँ, आदर्श गौरव ने ये करके भी दिखाया है। इतने कमाल के अभिनेता हैं कि हर सीन पर उन्हीं का राज है और वे दर्शकों को अपने इशारों पर घुमाते रहेंगे। फिल्म में राजकुमार की एक्टिंग भी बढ़िया कही जाएगी। मालिक का रुतबा वह पूरे फिल्म में कायम रखते हैं। प्रियंका चोपड़ा का काम भी सही रहा है। रोल छोटा है लेकिन अपना काम कर ही जाता है। द वाइट टाइगर का डायरेक्शन भी कहानी के लिहाज से अच्छा कहा जाएगा। कहने को रोमन बहरानी अमेरिकी डायरेक्टर हैं लेकिन उनके कैमरे ने भारत का गांव भी कैद किया है और शहर की चकाचौंध भी दिखा ही दी है।